दर्शन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए, वापस से रिलीज हो रही है, आइकॉनिक फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्वाइट क्वाइट प्लीज, गाइस ये नाराज है, क्यों नाराज है? खुशी की बात है कि एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो फिल्म से भी ज़्यादा है, नानक नाम जहाज है, ये दोबारा से डिजिटल फॉर्मेट में प्रॉपरली रिस्टोर करके बहुत श्रद्धा के साथ में राजू चड्ढा, राहुल मित्रा, वेव सिनेमास दोबारा सिनेमा प्रेमियों के लिए ला रहे हैं। फिल्म की जो याद मेरे दिमाग में है, मेरे माता पिता ने ये फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, और मुझे याद है कि सिनेमा के अंदर लोग जूते पहनकर भी नहीं गए थे, नंगे सर भी नहीं गए थे फिल्म देखने के लिए। इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान इस फिल्म के प्रति, इस फिल्म के अंदर दर्शाई गई भावनाओं के प्रति, धार्मिक सीन्स के प्रति, ये मेरी स्वर्गवासी माँ की फेवरेट फिल्म है, नानक नाम जहाज है। तो जैसे ही मुझे मेरे मित्र राहुल मित्रा ने इनवाइट किया कि आज इस फिल्म का एक समारोह किया जाएगा जहां पर फिल्म के नए पोस्टर को लॉन्च किया जाएगा, मैं पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ यहां पर शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। फिल्म से मेरा बस इतना ही संबंध है कि मैं फिल्म का एडमायरर हूं, फिल्म नानक नाम जहाज है का एडमायरर हूं, उसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूं राहुल मित्रा, वेव सिनेमास और उनके चेयरमैन राजू चड्ढा को, जिन्होंने इस फिल्म को दोबारा से दर्शकों के पास लाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत खर्चा किया, और जल्दी ये फिल्म लोगों को दिखाई जाएगी। आई थिंक इनके दिमाग में भी, मुझे ऐसा लगता है, कोई मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना कोई ऐसी मंशा नहीं है। एक हिस्टोरिकल चीज़ को, एक आइकॉनिक चीज़ को, एक ऐसी फिल्म को रिस्टोर करके लोगों को दिखाना, लोगों तक पहुंचाना, यही राहुल चड्ढा, राहुल मित्रा, राजू चड्ढा और विवेक सिन वे यही राजू चड्ढा, राहुल मित्रा और वेव सिनेमास की मंशा है। मेरी तरफ से इन सबको ढेरों शुभकामनाएं। नानक नाम जहाज रिलीज फर्स्ट इन 1969 टू सेलिब्रेट द 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी, एज कॉल्ड गुरु नानक नाम जहाज है। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट राजू जी हैज डन दैट, इज रिस्टोर्ड द प्रिंट एंड विद ऑल कलर करेक्शंस एंड एवरीथिंग, सो दैट पीपल टुडे कैन एंजॉय द मूवी। And I think it's a great thing that 46 years later, somebody has had the impetus of doing this, and I think it's a great cause to do it. And my congratulations to everybody, and I hope more and more people go and see it. Sir, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि फिल्म को दोबारा से re-release किया जा रहा है? इस फिल्म actually मैंने तो 5-6 साल का जब देखी थी, I was very touched with the movie. इसमें बेसिकली दिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। आजकल की जो जनरेशन है, सबका तो नहीं कहना चाहता, काफ़ी लोग बड़े को इज्जत मानी नहीं करते हैं, इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को? मेरा तो मेरा एम्फेसिस ये है कि बड़ों का पूरा, जो बच्चा या इंसान में माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मैं खाली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ों की इज्जत करिए, माँ बाप का मान सम्मान करिए। ऑल्सो इस फिल्म के रिलीज से एक चीज़ सामने आई है कि कपूर खानदान के दो जनरेशन आपस में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने वाले हैं। रणबीर कपूर की भी फिल्म उसी दिन आ रही है, तो आपका अब देयर वाज नो सच इंटेंशन ऑफ एज सच, पर मेरे को पिक्चर रिलीज करनी, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 25 नवंबर को है, मेरे को इधर 20 नवंबर को करनी थी या 27 नवंबर को करनी थी। लोगों ने कहा कि 25 नवंबर से पहले प्रकाश उत्सव होता है, लोग बहुत बिजी होंगे, जा नहीं पाएंगे देखने, प्रकाश उत्सव को दो दिन बाद कर लीजिए, इस करके फ्राइडे 2nd, उसके बाद 27 को बता। दिस वॉज द मेन रीजन, मेरे को आइडिया नहीं था तमाचा रिलीज। थैंक यू वेरी मच। फिल्म है, मैंने देखी नहीं है, और जो ओरिजिनल फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट,
मैंने सिर्फ सुना है उसके बारे में, पढ़ा है काफ़ी कुछ, बट मैंने देखी नहीं है, तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा जब मैं पहली बार इसको देखूंगी और सीधा कलर में देखूंगी. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फैन ऑफ मिस्टर पृथ्वीराज कपूर एंड द एंटायर कपूर फैमिली. सो आई वुड लव टू वॉच इट. एक्चुअली मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. जो पुराने ज़माने में बहुत ही इनोवेटिव काम किए हैं लोगों ने और बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं जिनको आज की जनरेशन को पहुँचा रहे लोग. सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट. थैंक यू.